गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम डेट आर यू मत्स्य शेखावाटी और ब्रज यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है वो 21 मार्च के बाद होने वाले हैं और 15 से 20 तारीख के बीच में आपका टाइम टेबल आ जाएगा। तो एमए के एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है और 15 से 20 तारीख के आपके जो परमिशन लेटर्स हैं वो आपके आ जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। एमए प्रीवियस पेपर सेकंड, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ पेपर सेकंड के, कि उनके सिलेबस में उन्हें कौन कौन से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और उन्हें कैसे करना है। तो जरा देखिए, तो ये आर यू मत्स्य ब्रज और शेखावाटी के छात्रों के लिए है पेपर सेकंड। अगर आपको 90% स्कोर करना है तो कैसे करोगे? तो देखो, किंग लियर का जो क्वेश्चन है, किंग लियर ये सभी के कॉमन है, चाहे वो आर यू हो, मत्स्य हो, ब्रज हो या शेखावाटी हो, किंग लियर का क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना है। देखो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, डिफाइन किंग लियर एज ए ट्रेजेडी प्ले, यानी कि किंग लियर को एक ट्रेजेडी हीरो के रूप में, ट्रेजेडी प्ले के रूप में इस नाटक को दर्शाना है। तो किंग लियर एक ट्रेजेडी प्ले है क्योंकि इसमें दो प्लॉट है, अर्लो ग्लाउस्टर का, किंग लियर का। किंग लियर ने उसकी दोनों बेटियों ने धोखा दिया और उधर ग्लाउस्टर को उसके बेटे एडमंड ने धोखा दिया। तो किंग लियर एक ट्रेजेडी हीरो भी है। यहाँ पे आपको ट्रेजेडी प्ले भी पूछा जा सकता है, डिफाइन कीजिए कि किंग लियर एक ट्रेजेडी हीरो है। या पूछा जा सकता है, एग्जामिन क्रिटिकल किंग लियर एज ए ट्रेजेडी ऑफ स्पिरिचुअल रीजनरेशन विद द सूटेबल एग्जांपल्स, यानी कि ट्रेजेडी ऑफ स्पिरिचुअल रीजनरेशन कैसे है। यहाँ पे अंत में किंग लियर को अपनी बेटी से प्यार हो ही जाता है कौडिल्या से, क्योंकि कौडिल्या उसे बचाने आती है, और अंत में अर्लो ग्लाउस्टर को अपने बेटे एडगर का बारे में पता चलता था कि भाई एडवर सच्चा है और एडमंड जो है वो बुरा है। उधर गोंद्रेल और रीगन को पता ही चल जाता है कि किस प्रकार दोनों बहनों ने एक दूसरे को चीट किया। तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल रीजनरेशन को आप जरूर दिखाएं। और याद रखें, आप कोइटोमेन का आंसर लिखे। और तीसरा क्वेश्चन आने की संभावना है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी कि इस नाटक में गुडनेस और बैडनेस के बीच में किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, आपको ये दिखाना है। या पूछा जा सकता है, राइट ड्रामेटिक इंपोर्टेंस ऑफ द टू प्लॉट्स। ध्यान दीजिएगा, किंग लियर में दो प्लॉट है, किंग लियर का ड्रामा सभी आर यू मत्स्य ब्रज और जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है इनके सबके कॉमन है। तो आप ध्यान रखें कि आप लोग इसके टू प्लॉट चलते हैं, इसमें किंग लियर का और अर्लो ग्लाउस्टर का। तो आप पॉइंट बना करके लिखें, आप में इन्हीं क्वेश्चंस को आप लर्न करें, और जब लर्न करें तो राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और कैरेक्टर से ये पॉइंट डालते हुए आप बाकी का आंसर लिखें कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या। टू प्लॉट का जरूर पॉइंट लिखें और कॉन्फ्लिक्ट का जरूर पॉइंट लिखें इसमें, और गुडनेस और बैडनेस का जरूर पॉइंट लिखें। ये तीन पॉइंट डालना ना भूले आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। जोंडन डॉक्टर फर्स्टस जो है वो तीनों यूनिवर्सिटियों में कंप्लीट है, आरयू हो चाहे मत्स्य हो चाहे ब्रज हो। तो डॉक्टर फर्स्टस का किस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन है, डिस्कस डॉक्टर फर्स्टस इज ए मोरलिटी प्ले कैसे है। या पूछा जा सकता है, डिस्कस डॉक्टर फर्स्टस इज ए ट्रेजेडी हीरो कैसे है। व्हाट काइंड ऑफ बाइबल थ्योरी इज डिफाइंड बाय द पोएट इन द ड्रामा डॉक्टर फर्स्टस बाय द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, भाई ड्रामेटिस्ट के द्वारा किस प्रकार की थ्योरी इसमें बताई गई है। तो याद रखो, अगर आपने डॉक्टर फर्स्टस है तो डॉक्टर फर्स्टस एक ओवर एम्बिशियस नेचर का कैरेक्टर है जो कि मेफिस्टोफिल्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है, यानी कि मेफिस्टोफिल्स उसे वो सब कुछ देता है जिसकी वो डिजायर करता है, इसीलिए वो अपनी आत्मा को लूसीफर को गिरवी रख देता है। फिर यहाँ पर गुडनेस और बैडनेस के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, डॉक्टर फर्स्टस वही करता है जो लूसीफर उसे कहता है। अंत में डॉक्टर फर्स्टस को ये आभास भी होता है कि जो उसने किया वो गलत किया गॉड के प्रति, फिर वो वापस गॉड की सेवा में आना चाहता है। तो इस प्रकार संघर्ष को बताया है। तो ध्यान रखिए, राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन और कैरेक्टर के बाद में बाइबलिज्म थ्योरी को, गुडनेस बैडनेस के स्ट्रगल को आप जरूर बताएं इसमें, और कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ में इसका आंसर कंप्लीट करें। और इसी डॉक्टर फर्स्टस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट काइंड ऑफ बाइबल थ्योरी, तो बाइबल थ्योरी इसमें दी गई है, आप ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। तो इन तीनों प्रश्नों का जो पॉइंट है वो लगभग सेम आएंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो है हमारा जोंडन से लेके, तीनों यूनिवर्सिटियों में जोंडन का क्वेश्चन जो है वो कॉमन है आपके। या तो जोंडन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस जोंडन एज ए
पॉइंट ऑफ लव कैसे है, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पोइम, यानी कि इसकी कविताओं से आप इसका एग्जांपल दीजिए, या आपसे किसी भी पोइम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि प्रूव कीजिए कि जॉनडन एक मेटाफिजिकल पोइट है। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन में द रेलिक्यू, द कैनोनाइजेशन, द एक्सटेसिया, द सनराइजिंग, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिये, जॉनडन का अगर आपसे मेटाफिजिकल पोएट्री का प्रश्न पूछ लिया जाए या लव का प्रश्न पूछ लिया जाए कि डन को लव पोएम के, लव पोएट के रूप में साबित कीजिए, तो आप जो आपकी कविताएं हैं जो आपने पढ़ी है उनका डिस्क्रिप्शन देते हुए आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम प्लॉट लिखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन देंगे। और यदि पर्टिकुलर पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है इसमें से आपके, तो अगर उसमें पर्टिकुलर पोएम का दे तो आप पर्टिकुलर पोएम के बारे में लिखें। तो इस साल के लिए अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा तो वो रेलिक्यू में से, या कैनोनाइजेशन में, या एक्सटेसी में से, या सनराइजिंग में से पूछा जा सकता है, लेकिन बिना पॉइंट के आप आंसर नहीं लिखेंगे। कम से कम 12 से 13 पॉइंट बनेंगे अगर डन का आप आंसर लिखोगे तो। अब आ जाओ सेक्शन सी में, अलेक्जेंडर पोप सबके कॉमन है, सब सबके, चाहे वो आर्य हो, मत्स्य हो, चाहे ब्रज हो, जिसमें लिखा है क्वेश्चन आने की संभावना है, एग्जामिन पोप से द रेप ऑफ द लोक एज ए सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ द जेनर ऑफ मोक एपिक, यानी कि रेप ऑफ द लोक को मोक एपिक कविता है, अरे मोक एपिक ही है, जिसमें लॉर्ड पिंटर के द्वारा बेलिंडा की चोटी काट ली जाती है, क्योंकि लॉर्ड पिंटर घृणास्पद है यहाँ पे। फिर उसका दोस्त ग्नोम अंबारिल जो है वो पृथ्वी देवी के पास में जाता है, थेलिसा के पास में, अरे थेला भर के दुख और पीड़ाओं का लेके आता है, और वो बेलिंडा के ऊपर उड़ेल देता है, और बेलिंडा जो सुंदर थी वो बदसूरत बन जाती है। तो इस प्रकार मोक एपिक है इसमें। या पूछा जा सकता है कि रेप ऑफ द लोक एज ए पिक्चर ऑफ फेमिनिज्म, देखो ध्यान रखिए, पिक्चर ऑफ फेमिनिज्म जब आपसे पूछा जाए इसमें, तो आप याद रखिएगा बेलिंडा का कैरेक्टर जरूर डिस्क्राइब करोगे, और किस प्रकार मॉडर्निटी को इसमें बताया गया कि किस प्रकार स्त्री की सुंदरता को देख करके एक पुरुष जो है वो ज्वेलस हो जाता है, और किस प्रकार वो उससे अपना बदला लेने की कोशिश करता है, और किस प्रकार फीमेल सेक्स को इसमें बताया गया है। तो ये पॉइंट जरूर लिखें आप, और जब पॉइंट लिखे रेप ऑफ द लोक में तो मोक एपिक का जरूर पॉइंट डाले, फीमेल पिक्चर ऑफ फेमिनिज्म का जरूर डाले, और फीमेल सेक्स का पॉइंट जो है वो जरूर डाले, और पूरा डिस्क्रिप्शन करते हुए कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ इसका आंसर कंप्लीट करोगे। क्रिटिकल कमेंट में कम से कम 10 से 12 पॉइंट आएंगे, जिसमें राइम, फिगर ऑफ स्पीच, साउंड, म्यूजिक, इमेजनरी, ये सारी आप डालोगे। तो इस प्रकार ये पूरा सेकेंड पेपर आपके कंप्लीट होता है। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन किंग लियर के बताए, 3 फर्स्टस के बताए, 2 डन के बताए, और 2 मैंने कोप के बताए हैं। 101% मेरी तरफ से, 101% संभावना है कि आपके यही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर इनके आंसर आप याद कर लोगे तो इनमें थोड़ा बहुत फिर बदल भी होगा तो आप उनका आंसर कर पाओगे। और आप पोएट्री को ध्यान से पढ़े, डन की कविताओं को आप लाइन टू लाइन पढ़े, ताकि आप इस पेपर में जो एक्सप्लेनेशन आए वो कर सके, क्योंकि बेकर